फर्श को चमकाने की हो बात तो टाइल्स से बेहतर और क्या हो सकता है। इसे फर्श पर लगाने के बाद फर्श न सिर्फ स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि इसका लुक भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है और घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। इन खूबसूरत टाइलों को आखिर बनाया कैसे जाता है, तो आइए देखते हैं। एक विट्रीफाइड टाइल बनाने के लिए ब्लैक क्ले, पोटैश फेल्डस्पार, चाइना क्ले जैसी और भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। सबसे पहले सभी रॉ मटेरियल के मिक्स का वेट करते हैं। वेट लेने के बाद रॉ मटेरियल कन्वेयर बेल्ट से बॉल मिल में भेजते हैं। यहां इसे ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद रॉ मटेरियल में पानी मिलाकर स्लरी बनाते हैं ताकि मिक्सर में से स्टोन या दूसरे मटेरियल फिल्टर हो सके। इसके बाद स्लरी की ड्राइंग होती है। इन हाइड्रो पंप के थ्रू पास करके रॉ मटेरियल से एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर निकाल लिया जाता है। ये है स्प्रे ड्रायर जो स्लरी मटेरियल को ड्राई करके पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। पाउडर को इस मशीन में फिल्टर करने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर आगे भेजते हैं जिस पर लगे फिल्टर मशीन बड़े ग्रेन्यूल्स फिल्टर करते हैं। अब इस हाइड्रोलिक मशीन में पावर हाइड्रोलिक फोर्स से प्रेस किया जाता है और 60x60 सेंटीमीटर के टाइल्स बनाई जाती है। इसके बाद होती है बेकिंग। अब ये टाइल्स फर्नेस में जा रही है। यहाँ 90 डिग्री से 210 डिग्री सेल्सियस पर बेक होकर टाइल्स का मॉइस्चर सूख जाता है और टाइल्स सेमी फर्म शेप ले लेती है। फिर एयर ब्लोअर से डर्ट हटाई जाती है। अब जब तक धूल नहीं हटाएंगे टाइल्स चमकेगी कैसे। आगे वाटर स्प्रे से टाइल्स को ठंडा ठंडा कूल कूल करते हैं। गर्म टाइल पर प्रिंटिंग नहीं होती। यहाँ टाइल को इनग्लोब लिक्विड मटेरियल के फाउंटेन में 2 बार नहलाया जाता है। ये एक तरह का एडेसिव है। अगले स्टेप में टाइल पर होने वाली डिजाइनिंग इसकी वजह से ही चिपकती है। अब टाइल्स अपर लेयर डिजाइनिंग के लिए तैयार है जिसे ग्लेस एप्लीकेशन कहते हैं। अब यहाँ टाइल्स पर डिजाइन को डिजिटली प्रिंट किया जाता है। देखा, डिजिटल इंडिया कहाँ कहाँ काम आसान कर रहा है। इसी स्टेप के बाद सेम टू सेम दिखने वाली टाइल्स को अपनी एक अलग पर्सनैलिटी मिल जाती है। इसके बाद टाइल्स फायरिंग प्रोसेस के लिए फिर से फर्निस पर भेजी जाती है। यहाँ टाइल्स 90 डिग्री से 1224 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर अलग अलग लेवल से गुजरती है। इस बर्निंग प्रोसेस के बाद टाइल्स को ऐसे स्टैक करते हैं जिससे उनकी मजबूती टेस्ट हो जाती है। वाह, स्टैकिंग की स्टैकिंग और टेस्टिंग की टेस्टिंग। स्टैकिंग के बाद टाइल्स की पॉलिश की जाती है। उससे पहले एक स्क्वायरिंग मशीन टाइल्स की एजेस को परफेक्ट करती है। यहाँ पानी से टाइल्स की अपर लेयर को कूल रखा जाता है ताकि वो टूटे नहीं। फाइनली 2 लेवल में पॉलिशिंग होती है जिसके बाद हर टाइल को उसका एक्चुअल लग्जरियस लुक मिल जाता है। पॉलिश के बाद शाइनी टाइल्स की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए रैंडम टेस्ट होते हैं। एक खास फॉर्मूले के साथ टाइल्स की थिकनेस और बाकी डायमेंशंस चेक किए जाते हैं। कोई टाइल्स क्वालिटी में खरी नहीं उतरती तो ये मशीन उस पर मार्क लगा देती है। अब क्वालिटी चेक में पास हुई टाइल्स पहुँचती है फाइनल पैकेजिंग के लिए। यहाँ एक मशीन ऑटोमेटिकली 4 टाइल्स को एक कार्टून में पैक करती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट करने से हमें बेहद खुशी मिलती है।